अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज हम बनाते हैं रेस्टोरेंट स्टाइल चिकन अंगारा। लजीज रेसिपी और सिंपल तरीके से इसे बना लेते हैं घर के मसालों से। 10 से 12 काजू ली हूँ और 10 से 12 बादाम ली हूँ। इसे मैंने आधा घंटे के लिए भिगो ली थी, हल्का सा सॉफ्ट हो चुका है। ये ऐड करेंगे मिक्सी जार में। 2 बड़े साइज़ का मैंने प्याज का बिरिस्ता बना ली हूँ, इसमें ऐड करेंगे। कुछ तैयारियाँ हम कर लेंगे तो हमारा पकाना बहुत आसान हो जाता है। ये इसे ग्राइंड कर लेते हैं थोड़ा सा पानी ऐड करके। यहाँ मैंने फ्राई पैन रखी हूँ, कुछ साबुत खड़े गरम मसाले इसमें डालेंगे जिससे ये और भी टेस्टी बनेगा। 2 चम्मच साबुत धनिया, 1 चम्मच साबुत जीरा, 2 दालचीनी के टुकड़े, 5 छोटी इलायची, 5 से 6 लौंग, 1 चम्मच काली मिर्च ऐड करेंगे फ्राई पैन में। साथ में इसमें डालेंगे 4 से 5 सूखी लाल मिर्च। इसे कर लेते हैं हल्का सा ड्राई रोस्ट। इससे बहुत अच्छी खुशबू आएगी जब आप इसे भूनेंगे ना, तो इतनी अच्छी खुशबू आएगी इसे। ये देखिए, इसमें से इतनी अच्छी खुशबू आ रही है, कलर पूरा चेंज हो चुका है। ये देखिए, बस इस स्टेज पे फ्लेम को ऑफ करेंगे। इसे हल्का सा ठंडा करके इसे पीस लेते हैं, ड्राई पीसना है इसे। ये देखिए, यहाँ मैंने 1 किलो चिकन ली है। चिकन में ऐड करेंगे हम 1 चम्मच भरकर नमक, साथ में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 2 टमाटर को मैंने पीस ली हूँ, ये ऐड कर देंगे इसमें। मिक्सी जार में मैंने मसाला पीस ली हूँ, ये ऐड कर देंगे। साथ ही में इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच भरकर कश्मीरी लाल मिर्च, 1 चम्मच कसूरी मेथी, 1 कटोरी दही। इसे अच्छे से करेंगे मिक्स। चिकन को हम मैरिनेट कर लेंगे। अगर आपके पास वक्त है आप ज़्यादा देर तक रख सकते हैं। इसे मैं आधा घंटे के लिए मैरिनेट कर देती हूँ मिक्स करके। चिकन हमारा मैरिनेट हो चुका है। यहाँ मैंने पैन रखी हूँ, पैन में डालेंगे 1 कटोरी तेल। ये वही तेल है जिसमें मैंने बिरिस्ता बनाई हूँ। तेल को अच्छा गरम कर लेंगे, इसमें ऐड कर देंगे ये मैरिनेटेड चिकन। फ्लेम हाई ही रखेंगे अभी। साथ ही में इसमें ऐड कर देते हैं ये पिसा हुआ मसाला, बादाम का और बिरिस्ते का बनाए थे, ये ऐड कर देंगे इसमें। इसे करते हैं मिक्स। थोड़ा सा मसाला जार में रह गया था, मैंने ज़रा सा पानी डाली हूँ, ये पानी भी इसमें ऐड कर देंगे। देखिए कितना मसाला है इसमें। इसे करेंगे मिक्स। इसे 7 से 8 मिनट के लिए हम हाई फ्लेम पे ही रखेंगे, क्योंकि चिकन अपना भी पानी रिलीज़ करेगा, वो भी ड्राई होना है। चम्मच बार बार चलाते रहेंगे। काजू का पेस्ट इसमें डाले हैं, जल सकता है इसीलिए चम्मच बीच बीच में चलाते रहेंगे और 7 से 8 मिनट के लिए फ्लेम को हाई रख के इसे पकने देते हैं। पकी रहा है, अब आँच को बिल्कुल धीमी कर देंगे और इसे 20 मिनट तक कुक करेंगे। हमारा चिकन भी गल जाएगा और ये मसाला भी थोड़ा ड्राई हो जाएगा इसमें। 20 मिनट हो चुका है, ये हमारा अंगारा रेडी हो गया है। इसकी ग्रेवी देखिए और इसकी तरी देखिए, कितनी अच्छी निकली है इसमें से तरी। अब इस पॉइंट पे आँच को कर देंगे हम बंद। हमारा चिकन भी टेंडर हो चुका है, आँच को बंद करके इसमें बीच में एक कटोरी रख देते हैं। इस पे रखते हैं गरम कोयला और इस पे डालते हैं आप घी, बटर या ऑयल भी डाल सकते हैं। इसे बहुत अच्छे से धुआं दे देते हैं। देखिए इसका धुआं ख़त्म हो चुका है, इसे डिस्कार्ड कर देते हैं। इसमें ऐड करते हैं हरा धनिया और इसे गर्मा गर्म हम सर्व करते हैं। चाहिए तो थोड़ा सा बटर भी इसमें हम ऐड कर देते हैं। हमारा चिकन अंगारा रेडी हो गया है। आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।